Hey guys, what's up? I hope you all are doing well. This side Jaydeep Mehta and once again welcome back to my channel Shri Hari Associates. दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए बिकॉज आज मैं बहुत एक्साइटेड चीज आपके लिए लेके आया हूँ फ्री BHK बिल्डर फ्लोर इन रोहिणी सेक्टर 8 और खास बात क्या है दिस इज थ्री साइड ओपन गाइस थ्री साइड ओपन थ्री साइड लेंथ में प्लॉट है बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन कर रखी है कंस्ट्रक्शन देखने के लिए बिल्डर फ्लोर देखने के लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें गाइस अगर मैं रोहिणी सेक्टर 8 की बात करूं तो रोहिणी सेक्टर 8 रोहिणी की बहुत प्रीम लोकेशंस के अंदर आता है यहां से लेट इट बी जिम्नास्टिक्स लेट इट बी स्विमिंग पूल लेट इट बी एरोबिक्स लेट इट बी एवरी पब्लिक फैसिलिटी बहुत ही इजीली अवेलेबल है और गाइस मेट्रो स्टेशन इस प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है तो गाइस आइए बिल्डर फ्लोर विजिट शुरू करते हैं This is 3BHK lift parking builder block जहाँ पर ये हम लोगों की staircase entrance है staircase entrance के बाद ये हम लोगों की lift है that is basically under construction और ये हम लोगों का entry gate है guys आप entrance देखिए कितनी sober कितनी प्यारी entrance तैयार की गई है जैसे कि एक बहुत अच्छे बहुत ही spacious बहुत ही प्रीमियम होटल्स के अंदर entrance होती है वैसे entrance तैयार की गई है तो आइए दोस्तों फ्लोर के अंदर चलते हैं तो गाइस ये हम लोगों का लिविंग रूम है हम अपने लिविंग रूम के अंदर आ चुके हैं देखकर मजा तो आ ही होगा दोस्तों अगर मैं लिविंग रूम के डायमेंशन की बात करूं तो लिविंग रूम इज अप्रोक्सीमेटली 17x13 17x13 का ये लिविंग रूम है यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये हम लोगों का LCD पैनल तैयार किया गया है टोटली अगेन PU पॉलिश का काम है जहाँ पर व्हाइट और डार्क ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसके बाद गाइस आप फॉल सीलिंग चेक करिए बहुत ही सोबर बहुत ही सुंदर वुडन टच विद ब्लू कोव लाइट्स के साथ फॉल सीलिंग को तैयार किया गया है अगेन गाइस ये हम लोगों की स्प्लिट एसी की फिटिंग है स्प्लिट एसी की फिटिंग के बाद ये हम लोगों की विंडो फॉर वेंटिलेशन है गाइस दिस इज थ्री साइड ओपन बिल्डर फ्लोर जहां पर हर रूम में वेंटिलेशन है हर रूम में क्रॉस वेंटिलेशन है और बहुत ही स्पेशियस फ्लोर तैयार किया गया है तो दोस्तों ये हम लोगों का लिविंग रूम है अब हम चल रहे हैं किचन की तरफ वाओ ब्यूटीफुल बहुत ही शानदार किचन तैयार किया गया है लेडीज यू विल गेट एक्साइटेड जब आप ये किचन को देखोगे अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो 12x10 की ये किचन है 12x10 की ये किचन है जहां पर ये अगेन हम लोगों का स्लैब एरिया है ये हम लोगों का चिमनी एरिया है यहां हम लोगों की चिमनी लगेगी और अगेन ये हम लोगों की सिंक है गाइस टोटली जैगुआर की फिटिंग आप देख सकते हैं जैगुआर की फिटिंग का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही स्पेशियस किचन बनाया है जहां पर ये हम लोगों की शेल्फ है जैसा कि आप शेल्फ में देख पा रहे हैं बहुत ही हाइड्रोलिक शेल्फ बनाई गई है अगेन ये भी हम लोगों का हाइड्रोलिक है और अगर मैं बास्केट्स की बात करूं गाइस तो बास्केट्स भी बहुत ही शानदार बास्केट्स तैयार की गई है टोटली अगेन ये भी हाइड्रोलिक है ये किचन की वेंटिलेशन के लिए गाइस विंडो भी है यहाँ पे और ये हम लोगों की फ्रिज स्पेस है और आप किचन में देख पा रहे हैं जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और व्हाइट कलर की टाइल्स वो भी छोटे छोटे टाइल्स सेक्शन के अंदर जो टाइल्स का जो डिजाइन है वो बहुत ही सुंदर बहुत ही सोबर लग रहा है और ऊपर हम लोगों का गीजर आएगा गीजर के लिए ऑलरेडी फिटिंग दे रखी है गाइस आप किचन के अंदर वॉल सीलिंग देखिए बहुत ही सुंदर वॉल सीलिंग का डिजाइन है तो दोस्तों ये महल की तरह घर को तैयार किया गया है गाइस 5-star होटल वाली सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई है अगेन दिस इज 5-star बिल्डर फ्लोर जब आप इसको देखेंगे तो आपके मुंह में डेफिनेटली पानी आ ही जाएगा तो गाइस अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ गाइस अब हम आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ जैसा कि आप डोर का डिजाइन देख रहे हैं बहुत ही शानदार डोर लग रहा है बहुत ही सुंदर डोर लग रहा है गाइस और हर रूम के साथ ये गेट तैयार किया गया है हर रूम के एंट्रेंस पे ये गेट दिया गया है और अब हम चल रहे हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ गाइस दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम चेक करिए पहले वॉल सीलिंग चेक करिए गाइस कितनी अमेजिंग लग रही है वॉल सीलिंग गाइस अगर मैं फर्स्ट बेडरूम की डायमेंशन
की बात करूं तो 15 बाय 12 का ये बेडरूम है, 15 बाय 12 जहां पर ये हम लोगों का एलसीडी था लेना, यहां हम लोगों का एलसीडी आएगा। अगेन एलसीडी पैनल के साथ वार्डरोब दी गई है, नीचे ड्रॉअर भी दी गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर सामान रखने के लिए, टूथपीस रखने के लिए थोड़ी सी जगह भी दी गई है। इसके साथ साथ ये हम लोगों की शेल्स हैं, शेल्स के अंदर लॉकर सिस्टम की तरह छोटे छोटे ड्रॉर्स भी दिए गए हैं। अगेन ये भी हम लोगों की शेल्फ है। उसके साथ साथ ये हम लोगों की विंडो है गाइस, विंडो फॉर वेंटिलेशन, और ये हम लोगों की स्प्लिट एसी की फिटिंग है। और सबसे खास बात क्या है इस बिल्डर फ्लोर के अंदर गाइस, why I am excited because अगर ये हम बिल्डर फ्लोर खरीदते हैं तो हमें हर रूम के साथ बालकनी मिलती है गाइस। अगेन दिस इज 3 साइड ओपन रूम, तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट रूम के साथ अटैच बालकनी पर। गाइस ये हम लोगों की बालकनी है, यहाँ पर ये हम लोगों का वॉशिंग एरिया है और बहुत ही सोबर, बहुत ही स्पेशियस बालकनी को तैयार किया गया है। अगर मैं बालकनी की डायमेंशन की बात करूँ तो 7x3 की ये बालकनी है, 7x3 की ये बालकनी है जो कि फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। गाइस नाउ वी आर एंटरिंग द सेकेंड बेडरूम। और अगेन दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो 12x12 का ये बेडरूम है जहाँ पर ये हम लोगों का अगेन ब्राउन और व्हाइट की पॉलिश पे एलसीडी पैनल तैयार किया गया है। फॉल सीलिंग अगेन वुडन टच में दी गई है जहां पर ब्लू कोल लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ये हम लोगों की विंडो एसी की फिटिंग है और वेंटिलेशन के लिए दिस इज आवर विंडो। और गाइस अगर मैं इस बेडरूम के साथ भी बात करूं तो अगेन इस बेडरूम के साथ भी बालकनी दी गई है। तो आइए दोस्तों बालकनी की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहां से लेकर वहां तक हम लोगों की बालकनी है। अगर मैं बालकनी की डायमेंशन की बात करूं गाइस तो बालकनी इज 14x3, 14x3 की ये बालकनी है जहाँ पर अगेन ये हम लोगों का वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया के बाद ये हम लोगों की पूरी स्पेशियस बालकनी है और अगेन ये हम लोगों की सेकंड साइड है। तो अब हम चल रहे हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। एंटरिंग द थर्ड बेडरूम, ये हम लोगों का गाइस थर्ड बेडरूम है। अगर मैं इस बेडरूम के डायमेंशन की बात करूं गाइस, अगेन इस बेडरूम का जो डायमेंशन है वो है 17x10, 17x10 का ये बेडरूम है। अगेन फॉल सीलिंग, बहुत यूनिक फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया गया है। ये हम लोगों का यूनिक एलसीडी पैनल है, आप एलसीडी पैनल देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर दो ड्रॉर्स है और उसके साथ साथ गाइस ये हम लोगों का अगेन थर्ड साइड बालकनी है। अगर मैं बालकनी के डायमेंशन की बात करूं गाइस तो बालकनी का डायमेंशन है 7x3, अगेन 7x3 की बालकनी है। और इस रूम के साथ खास बात क्या है गाइस, अटैच वॉशरूम भी है। तो आइए हम चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। अटैच वॉशरूम है, अगर मैं वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूं गाइस तो 7x4 का ये वॉशरूम है जहां पर ये हम लोगों का बहुत ही सुंदर जैगुआर फिटिंग के साथ वॉश बेसिन है। ये हम लोगों का सीट एरिया है, अगेन हिलवेयर की सीट तैयार की गई है। और इसके अलावा ये हम लोगों का बाथिंग एरिया है और ये हम लोगों का वॉल हंग शावर है। तो गाइस इसके साथ साथ वॉशरूम के सामने बहुत ही सुंदर अलमीरा भी दी गई है। गाइस दिस इज आवर अलमीरा। तो इसी के साथ साथ गाइस अब हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। एंड गाइस दिस इज आवर कॉमन वॉशरूम। वाओ अगेन दिस वॉशरूम इज आल्सो ब्यूटीफुल। अगर मैं वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूं तो 6x4 का ये वॉशरूम है जहां पर अगेन ये हम लोगों का वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन के बाद ये हम लोगों की सीट है, अगेन हैंडवेल की सीट है और ये हम लोगों का जैगुआर फिटिंग के साथ बाथिंग एरिया है, अगेन मॉडर्न शावर है। तो गाइस वॉशरूम इज आल्सो वेरी स्पेशियस और बहुत ही सुंदर 5-star होटल जैसा वॉशरूम तैयार किया गया है। गाइस जैसा आपने देखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग बिल्डर फ्लोर को तैयार किया गया है और इस टाइम भी गाइस कोई भी लाइट ऑन नहीं है और वेंटिलेशन इज 100% इन एवरी रूम। गाइस इवन वॉशरूम बिना लाइट्स के भी 100% वेंटिलेशन है गाइस इसके अंदर। तो गाइस दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, लोकेशन इज आल्सो बेस्ट। अगर मैं प्रॉपर्टी की डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन इज आल्सो बेस्ट। तो गाइस लास्टली अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो गाइस ओनली एंड ओनली 3 BHK, 2 बाथरूम्स, 3 साइड
कॉर्नर प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ दो फ्लोर अवेलेबल है गाइस, ओनली अपर ग्राउंड एंड अपर फर्स्ट फ्लोर आर अवेलेबल, बाकी दो फ्लोर सोल्ड आउट है गाइस। अगर प्राइस की बात करूं तो दिस फ्लोर इज ओनली अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ 1 crore and 60 lakh rupees, guys. 1 crore 60 lakh rupees का अपर ग्राउंड फ्लोर है और 1 crore 55 lakh rupees का अपर फर्स्ट फ्लोर है। तो गाइस, इफ यू वांट टू विजिट दिस फ्लोर, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम श्री हरि एसोसिएट्स। थैंक यू फॉर गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए बिल्डर फ्लोर के साथ। सी यू सून गाइस, थैंक यू वंस अगेन।